नमस्कार, मैं हूं संतोष राजपूत और आप देख रहे हैं मेरा एजुकेशनल चैनल फ्रॉम एकेडमिक टू कम्पिटिटिव इंग्लिश। और आज का टॉपिक है यूपी बोर्ड के एनसीईआरटी बेस्ड क्लास 9th का न्यू सिलेबस पर आधारित बहुत ही इंस्पायरिंग पोएम द रोड नॉट टेकन। और इस पोएम को कंपोज किया है बहुत ही फेमस अमेरिकन पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। तो आइए शुरू करते हैं उनकी ये पोएम द रोड नॉट टेकन, जिसका मतलब होता है सड़क जिसे नहीं अपनाया या मार्ग जिसे नहीं अपनाया, नहीं चुना। पोएट अपनी फीलिंग्स व्यक्त करता है कि उसने अपने पास्ट में सही चुनाव नहीं किया और इस लाइफ का कोई यू टर्न नहीं होता है, इसलिए सोच समझकर जिंदगी का सही रास्ता चुना जाना चाहिए। तो आइए देखते हैं पोएम क्या है। पोएम 4 स्टेंजाज में है और प्रत्येक स्टेंजा में 5-5 लाइन्स हैं और पहली, तीसरी, दूसरी, चौथी और पांचवी इस तरह से इसकी राइम है। यानी फर्स्ट लाइन राइम करती है थर्ड लाइन से, सेकेंड, फोर्थ और फिफ्थ लाइन ये एक जैसी राइम कर रही हैं। तो पहला स्टेंजा देखते हैं। टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन ए येलो वुड, किसी पतझड़ के वन में दो सड़कें एक साथ निकल पड़ी। मतलब पोएट एक रास्ते से जा रहा था और जाते जाते आगे चल करके उसे दिखाई दिया कि वो एक रास्ता आगे दो रास्तों में विभाजित हो गया है। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, और पोएट यहां पर अफसोस व्यक्त करता है और कह रहा है कि मैं दोनों रास्तों पर तो नहीं चल सकता हूं, इसलिए मजबूरी है कि उन दो रास्तों में से किसी एक रास्ते का ही चुनाव करना है। एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड, और काफी देर तक मैं खड़ा रहा क्योंकि मुझे उनमें से किसी एक रास्ते का ही यात्री बनना था। एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड, और एक रास्ते पर मैंने उतनी दूर देखा जितनी दूर तक मेरी निगाहें जा सकती थी। टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ, और आगे जाकर के ये रास्ता वृक्षों के झुरमुटों में गायब हो रहा था। जितनी दूर तक निगाह पोएट की जा रही थी उसने उस रास्ते को देखा। यहाँ रास्ते से मतलब है जिंदगी का रास्ता, जिसमें हम बहुत दूर तक तो नहीं देख सकते हैं कि आगे हमारी लाइफ का डेस्टिनी क्या होगा, ये हम में से किसी को नहीं पता होता है। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं और इस पढ़ाई में आगे चल करके स्ट्रीम्स डिवाइड हो जाती हैं, जैसे साइंस स्ट्रीम, आर्ट्स स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम, एग्रीकल्चरल स्ट्रीम, और इसमें आपको एक का चुनाव करना है। तो अगर यहाँ पर आप सही चुनाव नहीं करते, अपनी टैलेंट के हिसाब से चुनाव नहीं करते हैं, तो बाद में लाइफ का कोई यू टर्न नहीं है, आप उसमें कोई भी सुधार नहीं कर सकते हैं। अगला स्टेंजा देखिए। देन टुक द अदर, और तब मैंने दूसरे रास्ते को चुन लिया। जस्ट एज फेयर, वो भी उतना ही सुंदर दिखाई दिया। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और शायद पहले वाले की तुलना में जो रास्ता मैंने पहले देखा था उस रास्ते की तुलना में ये शायद कुछ बेहतर था। बिकॉज इट वॉज ग्रासी, क्योंकि ये घास से युक्त था, इस पर घास उगी हुई थी। एंड वॉन्टेड बियर, और इस पर लगता था किसी को चलना चाहिए था लेकिन कोई अभी तक चला नहीं था। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, लेकिन सच्चाई ये थी कि शायद उन दोनों रास्तों पर लोग बराबर ही यात्रा कर चुके थे। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉड इन ब्लैक, और आज की सच्चाई ये थी कि आज सवेरे से इन रास्तों में से एक रास्ते पर कोई नहीं निकला हुआ था, क्योंकि जो पत्तियां पड़ी हुई थी उन पत्तियों पर किसी के कोई कदम नहीं पड़े थे। ट्रॉडन का मतलब होता है कुचली नहीं गई थी, रौंदी नहीं गई थी, और वो पत्तियां रौंदी नहीं गई थी इसलिए वो पत्तियां ब्लैक, काली नहीं हुई थी। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, अरे मैंने ये सोच रखा था कि उस दूसरे रास्ते पर मैं किसी दूसरे दिन, किसी अन्य दिन पर यात्रा कर लूँगा। एट नोइंग, फिर भी ये बात जानते हुए, हाउ वे लीड्स ऑन टू वे,
कि रास्ते पर आगे जाते हुए कोई वापसी नहीं होती है। आई डाउटेड, मुझे शक था, संदेह था, इफ आई शुड एवर कम बैक, कि शायद मैं वापस लौट सकता हूँ। आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई, दुख के साथ मुझको ये बात बतानी पड़ रही है, समवेयर एजेस एंड एजेस एंड्स, यहाँ से युगों युगों यानी वर्षों पहले, टू रोड्स डाइवर्स इन वुड, किसी वन में एक रास्ते से दो रास्ते विभाजित हुए थे, एंड आई और मैं, आई टुक द वन, मैंने वो रास्ता चुना, लेस ट्रेवल्ड बाई, जिस पर लोग कम चले थे, यानी आम रास्ते को नहीं चुना, ऐसे रास्ते को चुना जिस रास्ते पर बहुत से कम लोग यात्रा किए थे, एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और उस रास्ते के चुनाव करने से मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे अंतर उत्पन्न हो गए। अगर ज़िंदगी का रास्ता मैंने सोच समझ कर चुना होता तो ये रास्ता शायद बहुत ही बेहतर होता, मेरी ज़िंदगी कुछ बेहतर होती, लेकिन ज़िंदगी में सही चुनाव ना कर पाने की वजह से अब मुझे पश्चाताप करने के अलावा मेरे पास अब कुछ भी शेष नहीं है। तो ये थी पोएम रॉबर्ट फ्रॉस्ट की। अगर पोएम समझ में आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और नया कोर्स है इसलिए अपने साथियों तक भी इस तरह के कोर्स को पहुंचाएं, जिससे कि उनको भी इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद। सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app टू नेवर मिस एन अपडेट।